बजा डोल बजा इस पे बजा, सो इस पे वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप्स आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी हमारा नया प्लान ये है कि हम तैयार हो रहे हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ। ये पहन के जाऊँगा, ये ऑडियो ग्रीन वाली जो आपने मेरे 2-3 ब्लॉग में देख ली होगी। और पैकिंग का तैयारी हो रही है, पैकिंग हो गई, आधी पैकिंग हो चुकी है, आगे बाकी है। बाकी रूम का पूरा धज्जे उड़ा कर रखा है मैंने। रेडी होते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि फिर एक ट्रेन तो मेरी कैंसिल हो गई है, लखनऊ छपरा। पवन आने वाली है, 10 बजे आएगी। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8:48। मतलब 9, साढ़े 9 बजे से निकल जाएंगे घर से, नहीं तो फिर ट्रेन छूट जाएगी भाई, तो दुख हो जाएगा हमें। और हम लखनऊ नहीं जा पाएंगे। लखनऊ क्यों जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, मैं क्यों जा रहा हूँ लखनऊ। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, रास्ते में बातें करेंगे, बहुत सारी बातें अभी। और हाँ, थोड़े मेरे ब्लॉग डेली आ रहे हैं, बट थोड़ा टाइम दो यार, टाइम पे आए सब चीज़ सही आएगी। अभी थोड़ा मेरी तबीयत खराब, देख रहा हूँ मैं कभी टोपी लगाता नहीं हूँ, मैं आज टोपी लगाया क्योंकि मेरी को जुकाम। मैं रेडी होकर मिलता हूँ आपसे। जा रहे मम्मी, बाय 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 बाय। हम जा रहे हैं चल निकल हुर। हम तैयार हो गए हैं, पीछे हमारी धनु भी तैयार है, इधर मेरा बैग भी तैयार है और हम चलते हैं। बाय नहीं बाय मम्मी, बाय बाय। चलिए पापा, बाय बाय। चुके हैं और ये रहा हमारा नेशनल फ्लैग। जय हिंद। ये है हमारा गाजीपुर स्टेशन। फाइनली स्टेशन आ चुके हैं और स्टेशन पूरा खाली खाली है। आपको दिखाता हूँ, स्टेशन खाली है, बस हनुमान जी हैं यहाँ पे। ये बाकी पूरा स्टेशन खाली है, इक्का दुक्का लोग हैं क्योंकि सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं आजकल, तो ट्रेन बंद है सारी। को छोड़ने पापा आए हैं। हमारा बैग ही कितना बड़ा लग रहा है, देखो हमसे बड़ा तो हमारा बैग ही लग रहा है। पापा हमसे बड़ा बैग लग रहा है ना? अच्छा है। क्या अच्छा है? वो घर बैग का आधा लगता है, घर का आधा सामान उसमें रख लिया बैग में, इतना बड़ा बैग है। बाकी ठंडी लग रही है भाई साहब, तभी तो आज टोपी लगा रहा। मैं टोपी लगाता नहीं हूँ, बस ठंडी लग रही है आज क्योंकि मेरे को जुकाम हो चुका है। 10 चीज़ दिखाता हूँ, देखो वहाँ एक सामने एक बुढ़िया रखी थी, वो बंदा बुढ़िया को खोल के चाँपे जा रहा है। क्या है उसके अंदर पता नहीं, बट लगा पड़ा है उसके अंदर। हाँ गया रहे भाई, हाँ देखो यहाँ पे पीछे चाय और भी चाय पी रहे हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद पानी ट्रेन आ चुकी है, गाजीपुर घाट क्रॉस कर चुकी है। बस अब कुछ देर में जब भी आ जाए। और एक ट्रेन ये भी आई है बड़ी देर बाद, घंटे भर वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। और फाइनली हमें लगता है उसकी लाइट दिखने स्टार्ट हो चुकी है। आपको थोड़ी दूरी पर दिखाई दे रही होगी वो रेड वाइट कलर की लाइट। तो ट्रेन आ चुकी है, वेट। हाँ तो ट्रेन आ चुकी है, चल के ट्रेन में बैठते हैं, फिर मिलते हैं, आपको बताते हैं आगे की कार्रवाई करते हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है। जाइए घर, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो ट्रेन में आ चुके हैं। अब जनरल का आप माहौल देख सकते हैं। 1 मिनट, ये हो जनरल है भाई साहब, पूरा भरा हुआ है, पूरा जनरल भरा हुआ है। और हम यहाँ मैंने तो थोड़ा सा जगह पाके जगह बैठ गए हैं, मतलब बैठे नहीं है, खड़े जाएंगे, दूसरे वाले ट्रेन में बैठ के जाएंगे। भाई साहब स्टेशन पे, गाजीपुर स्टेशन पर भीड़ ही नहीं, तो यहाँ देखो भाई साहब तगड़ी भीड़ लगी हुई है, इधर से इधर सारी भीड़ है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं बनारस जंक्शन, अब दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं। फाइनली हम बनारस आ चुके हैं और ये बनारस स्टेशन। फाइनली अब थोड़ा बोलना बंद नहीं करेगी, इसलिए मैं बोलता रहूँगा, कभी तो चुप होगी ये। फिर भी आपको पता है लास्ट टाइम मेरा फ़ोन यहीं चोरी हुआ था, वहाँ पे उस साइड था, मैं बैठा था, मेरा फ़ोन वहीं चोरी हुआ था, बड़ा दुख हुआ था। वाओ नाइस, कलर चेंज हो गया यार, भाई फिर से चेंज हो जा, फिर से चेंज हो जा, ओ चेंज हो जा भाई, बताओ दिखाना चाहता हूँ तो नहीं चेंज हो रहा है, कोई नहीं, नहीं होगा। तो फिर चलते हैं, चाय पीते हैं, ठंडी लग रही है, चाय पी के फिर देखते हैं क्या करना है आगे, टिकट कराएंगे दूसरी ट्रेन का। फिर आज की शाम मतलब आज की रात बनारस की चाय के साथ, मज़ा आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा रात को मैं इतनी देर रात को आकर मैं चाय पीऊँगा। टाइम कितना हो रहा है 12:30। वाह मज़ा आ गई, और ये बनारस का व्यू है, चाय का व्यू तगड़ा। टिकट का चक्कर ही अलग है भाई, टिकट वहाँ गया बोले कि आगे जाओ, फिर आगे गया फिर बोले आगे जाओ, अब बोल रहे हैं कि उसके अंदर टिकट मिलेगी, इस सामने जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर मिलेगी टिकट। वाह पर किसी को ये जगह मस्त लग रहा है यहाँ पर, देखो दिखाता हूँ, ये नाइट में कितना मस्त लगता है हर चीज़ ना, दिन में तो कितना वैसा अच्छा लग रहा है। देखो और पास से दिखाता हूँ मैं, ये भाई साहब टिकट की लाइन की देखो कितनी लंबी है भाई साहब, हाय हाय कितनी लंबी लाइन है। फाइनली ट्रेन आने वाली है, जिस ट्रेन में जाने का प्लान था वो ट्रेन तो नहीं जा सकते भैया, चीटी लपेट देगा झूठ मूठ का। दूसरी ट्रेन आ रही है उसमें बैठूँगा, वो भी 1:40 तक आ जाएगी, तो चलते हैं वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। अरे भैया ऊपर से ये बैग इतना भारी है ना भाई, क्या बताऊँ, हालत ख़राब है मेरी तगड़ी तगड़ी, और इधर का व्यू अलग लेवल पे है। तो चलते हैं पहले अपने प्लेटफॉर्म पे, वहीं बैग रखेंगे क्योंकि इतना लैग क्यों घूमने का ना, हालत ख़राब हो रही है, कंधे की माँ बहन हो रही है। भाई साहब देख रहे हो कितना वेटिंग रूम में इतना भीड़ होता है भाई, कुछ ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से देख रहे हो कितना ज़्यादा भीड़ है, दुख। कोई बात नहीं, आज की कैसे चलो देखें। अरे यार रेस्टोरेंट भी है भाई साहब, अच्छा रेस्टोरेंट है। तो चलो भैया ओयोस खाया जाता है, बहुत देर से चाय पी रहे थे, थोड़ा ये मेरे बैग में दिख गया कि ये भी रखा हुआ है, ऐसे भी खा लेते हैं, बाकी ट्रेन तो आई नहीं अभी तक। वेट करने के बाद दूसरी वाली ट्रेन भी आ चुकी है, बस ये ट्रेन पास हो जाएगी, उसके बाद फिर वो वाली ट्रेन आएगी, वो वहाँ पे पास के लिए रुकी हुई है। भाई साहब बड़ी ठंडी है, सही है भाई, ट्रेन में बैठते हैं, भगवान की नसीब। ट्रेन को आने देते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, फिर क्या, फिर सुबह मिलेंगे आप सीधे, क्योंकि रात में ब्लॉग नहीं करने वाला इसके बाद। सोना हो तो ऐसे सो, नहीं तो सो ही ना वही सब, कल रात से सो रहे हैं, अभी तक इनका सोना खत्म नहीं हुआ है। लखनऊ स्टेशन में आ चुके हैं और उतर चुके हैं, बड़ी हड़बड़ी में है क्योंकि मैं प्यास लगा है, साला पानी होते हुए पानी नहीं पी पा रहा, और बस 1 मिनट बाहर निकल के व्यू दिखाता हूँ आपको। पहुँच गए नवाबों के शहर में, भाई साहब बहुत ठंडी लग रही है, तो कुछ ऐसा व्यू है इधर का। और मैंने ओला बुक कर दिया, ओला आता होगा, के आने का वेट करते हैं, फिर देखते कहाँ फिर घर चले, क्योंकि हमें कहीं जाने का मन नहीं है। बाकी सुबह सुबह मज़ा आ गया, ट्रेन का सफ़र तो कुछ खास था नहीं, बाकी इधर मज़ा आ गया। तो भैया मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बाय 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 बाय। भैया ने अपना सब चैनल सब्सक्राइब किया, मैंने उनसे अपना खाना रख लिया। ओ भाई ये ओला कब आएगा? साहब नहा धो के आगे ऑल सेट। हम आ चुके हैं अब छत पे धूप सेकने और इधर का व्यू कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या है, सिनेमैटिक में सही आता है बट ऐसे करने पे पूरा लाइट लाइट हो जाता है। तो चलते हैं नीचे पूजा करते हैं, उसके बाद मिलते हैं क्या करने आगे का क्या प्रोग्राम होगा हम आपको बताएंगे कुछ देर बाद। कुछ देर मिलते हैं आपसे। नॉर्मल से मारो, बजा ढोलक, बजा दो, बजा ढोलक, बजा इस पे, बजा इस पे, इस पे। तुम लोग इतनी ऐप है तुम लोग काम नहीं करते हैं क्या? नहीं मारो। ये देखिए आपको ये अविराज, हेलो अविराज, अविराज हेलो अविराज नमस्ते, अविराज नमस्ते करो, नमस्ते करो अविराज, नमस्ते अविराज। गाना गा दो, नहीं करना है आप वहाँ पहुँच जाइए, गाना गाओ अविराज, एक बार और गाओ। गलत पहुँच गया आप, वो आकाश मोबाइल क्यों ले रहे हो? नहीं मोबाइल नहीं, नहीं मोबाइल मत लो, मेरा मोबाइल है नहीं देंगे। हेलो गाइस व्हाट्सएप, क्या हाल है आपके? तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग, देखते हैं मेडिकल में क्या हो रहा है। फिलहाल वैसे तो मैं इस चैनल पे नहीं हूँ, फिर भी मैंने मामा से फ़ोन लिया, मैंने कहा चलो मैं भी व्लॉगिंग कर लेती हूँ, चलो देखते क्या है। और भैया क्या हाल? रवा का है बताइए। कुछ मंगाए थे क्या? प्रोसेसर लगा, इसमें लगा है लिखा तो है डेस्कटॉप प्रोसेसर। हाँ प्रोसेसर, प्रोसेसर फैन है जा रहे भैया भाई, इतना नहीं पता है भाई। चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है बाहर। क्या हो रहा है इधर? ए अविराज, अविराज इधर देखो, अविराज, अविराज इधर देखो, अविराज। फिलहाल इधर अविराज की गाड़ी साफ हो रही है। ओ भाई गिरोगी क्या तुम? और साइकिल नहीं चला पाओगे। देखिए अविराज की ये गाड़ी है और ये भी साफ हो रही है पूरी। कहाँ जाओगे? ये अरे कहाँ जाओगे नीचे, कहाँ जाओगे नीचे? अभी गाड़ी साफ हो रही है, जाएंगे उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद चलो बैठो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जा मेरे भाई, बैठ अविराज, बैठो अविराज, बैठो अविराज, बैठ जाओ। नीचे घूमना है, नीचे तो घुमा नहीं सकते, ठंडी का मौसम है, बहुत ठंडा हो रहा है अभी भी, भले ही धूप निकली है पर ठंडा अभी भी हो रहा है। ये ऐसे होता है। अच्छा हम अभी, मैं भी व्लॉगिंग के स्किल्स ढूंढ रहा हूँ। अक्कू, अरे अविराज कैच, अविराज, अविराज, अक्कू, अक्कू कैच, फेंको, ये कैसे फेंकी? फिर से फेंको। अरे अरे कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं फेंक दी अक्कू। तो गाइस चलो बाय बाय अभी के लिए। यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, पूजा की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बड़े पापा सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगा रहे हैं और कुछ देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी और मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमने छत पे फ्लैग लगा दिया है, पंडित जी ने जो दिया था हमें अच्छा लग रहा है। नहीं एनिवर्सरी कैसे यही सब सिखा रहे हो यार। करा अच्छी चीजें मत सिखाया करो, अच्छी चीजें मत सिखाया ना, यही सब सिखा लो। जल्दी अच्छी चीजें वो नहीं सीखता है, ये सब चीजें तुरंत तुरंत स्टार्ट कर देता है। इसकी बात खराब है। गुस्सा है। गंदी बात बेटू, डॉगी काटेगा। इसकी भी हरकत है। क्या बोली मामी? पूजा से ब्रेक लेके हम निकल चुके हैं, थोड़ा सा बाहर कुछ खाने पीने, बहुत जोर की भूख लगी है। बाकी यहाँ घूमने मजा आ रहा है। जब से आए तब से घूम ही रहे हैं भैया, जब से आए तब से घूम ही रहे हैं। ये पूजा पाठ और इतना लखनऊ आना क्यों आया था मैं, क्योंकि बाबू का फर्स्ट बर्थडे था तो उस पर उसी के लिए पूजा रखी गई थी और शाम को पार्टी भी है। तो पार्टी का ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।